Bubblegum. Gaja, gajo, gaja. Gajam, gajo, gaja. Gajen, gaja, pham, gaja hi. Gajesh, gaja, pham. कहानी तब की है जब ना फेसबुक था, ना मोबाइल, ना टीवी, ना इंटरनेट। बस थी तो वो स्कूल की बेंच जो इस बात की गवाही दे रही थी कि हो गई थी मुझे मोहब्बत। और मोहब्बत भी ऐसी कि इस लव स्टोरी में लव कहीं का कहीं हो गया और स्टोरी कुछ और ही बन गई। बैठ जाइए। यह निश्चित है, यहां नहीं कक्षा के बाहर। अरे होली की छुट्टी शुरू हुई है, होली नहीं, शुभ होली अवकाशम। पहले तो जी में आया कि चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूं कि मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है, लेकिन तुरंत रियलाइज हुआ कि अगर प्यार एक राज नहीं तो उसमें वो मजा नहीं। ए, देखा, चक्कर चल रहा है लगता है किसी से। मरेगा मेरी तरह। चौदह की उम्र में मोहब्बत का मतलब होता था सिर्फ एक झलक उसको देख लेना या दिख जाना। बस उसी एक झलक के चक्कर में पता नहीं कितना पापड़ बेलना पड़ता था, और वो नजर आती भी थी तो दिल का जोर जोर से धड़कना शुरू हो जाता था। लगता था कि कहीं दिल कूद कर बाहर ना आ जाए और भंडा फोड़ दे। वैसे दिल ने तो कभी दगा नहीं दिया, पर मेरी किस्मत में दगाबाज कई थे, जैसे होली का ये माहौल और ये ऑटो। कटी पतंग की तरह पता नहीं कहां से जेनी जमशेदपुर में आके गिरी, और वो भी मेरे घर के छत पे। थैंक्स टू विनीता माई राखी सिस्टर, जिसने मेरी उससे मुलाकात करवा दी। लेकिन आगे का खेल तो मुझे ही खेलना था। अरे क्षमत आई है क्या? नहीं, कयामत आई है, कयामत। पहला रोड़ा बना हवलदार राम जी। राम राम। ईका। स्कूल बंद और होली शुरू, और क्या। किसी पतंग की पूंछ की तरह वो भी मेरी किस्मत में अलटका। और ये मेरे होने वाले सास ससुर और मेरा साला, पुलिस वालों के परिवार में एक अकेला चोर, मौके की ताक में कि कब उनका दिल चुरा लूं। लेकिन इस प्रेम कहानी में विलेन बनकर उभरा रतन सिंह चौहान, मेरे ही कॉलोनी का छोकरा। मक्खी की तरह भनभनाते हुए उसके घर में घुस जाता था। नमस्ते अंकल। खुश रहो, खुश रहो। अंकल, हम आपके लिए डायरी कैलेंडर लाए हैं। अरे इतना क्यों? इसमें क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे सब लाल में। अच्छा, अब हम क्रिसमस का भी नहीं भूलेंगे। मुझे तो क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे सब याद रहता है डैडी। आप ही अपने कमरे में लगा लो, मुझे जरूरत नहीं है। कैसा है वियो? कैसा है? ठीक है। बहुत क्यूट बच्चा है। अरे अरे, सिगरेट पिला रहे हो? लेमन जूस है आंटी, पेपरमिंट है स्टाइल मारने के लिए। और खूब होली खेली ना? चलो जेनी जाके पहले कपड़े बदलो, चलो। हाँ हाँ, बदल लो बदल लो, बीमार पड़ गई तो होली दिवाली सब बराबर हो जाएगी। अच्छा अंकल, हम चलते हैं, बाद में फिर आएंगे। ठीक है। Thank you.
क्या बे? बहुत पैर वैर छू रहा था? अरे हम पैर नहीं दिल छू रहे थे, इसीलिए तो अंकल ने हमको जेनी के लिए बुक कर लिया है। अभी ये कैसे हो सकता है? वो जब से आई है तब से मैं उसे बुक करके रखा हूँ, और विश्वास नहीं होता तो पूछ ले भी नहीं था से। अबे अपनी राखी बन से क्या पूछवाता है? पूछना है तो चलना डायरेक्ट उससे पूछते हैं कौन किसको बुक करके रखा है। तू पागल है क्या? ना तुझे मिलेगी ना मुझे, दोनों का पता कटेगा इडियट। तो फिर ठीक है, तुम भी लाइन मारो और हम भी मारते हैं, देखते हैं किससे पटती। होली तक तो पता चल ही जाएगा कि किसको रंग लगाएगी और किसको चूना। देख चैलेंज मत कर। तो लेना लेना चैलेंज, मर्द है ना तो ले चैलेंज। हट तेरी तो। उन दिनों मंजिल तक पहुंचने के लिए फोन से ज्यादा हमें मोबाइल होना पड़ता था, और उस टेढ़े मेरे रस्ते में मिसेस चैटर्जी जैसी गपोड़ी आंटियों की पहनी नजरों से बचते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना किसी माउंट एवरेस्ट पे फतेह करने से कम नहीं होता था। आंटी ऑफिस से आ गई? नहीं अभी 5 कहां बजे हैं, बात करनी है। हाँ आओ। हेलो। हेलो आंटी, मैं विनीता, और जेनी है क्या? कुकी क्या आ रही है? तुम्हारा फोन। हेलो। हाँ कुकी, मैं फेद। ओ अभी नहा के निकली हूँ, पूरी गीली हो गई थी ना स्कूल में। अच्छा और क्या हो रहा है? ये और क्या कर रही है? क्या टमाटर में जा रहे हो, बात करो ना। मेरा मतलब तुमसे कोई मिलने आया था? रतन? हाँ रतन आया था पापा को कैलेंडर देने। तुमको कैसे पता? कैलेंडर देने आया था या इंप्रेशन जमाने आया था? पापा को कैलेंडर देकर गया। पता है पापा ने उसका क्या नाम रखा है? अनमोल रतन। पैर वैर छूता है ना? लोमड़ी है लोमड़ी, कब क्या कर जाए पता भी नहीं चलेगा। तुम गुस्से में हो? खैर विनीता पूछ रही थी कि तुम यहाँ कब आ रही हो। कल सुबह 10 बजे मिले। सच्ची? मच्ची क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं। चलो कपड़े बदलो, नाश्ता करो और पढ़ने बैठो। अगले साल तुम्हारा बोर्ड है वेद, और तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो। पापा भी काफी नाराज हो रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुने हो? पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करते थे, किताब सर पे रख के नदी तैर कर स्कूल जाते थे, और तुम? अब अंग्रेजों ने पुल नहीं बनवाया तो हम क्या करें? टेंथ के बाद हॉस्टल जाने का इरादा है या नहीं, या यहीं पड़े रहोगे घर पर? अगर हॉस्टल भेजने का इरादा होता ना तो अब कब का भेज चुके होते भैया की तरह। देखो वेद, अपने आप को भैया के साथ कंपेयर मत करो। क्यों कंपेयर नहीं करूं? हर चीज में भैया ये भैया वो, हम तो घर की मुल्की घर का मुर्गा दाल बराबर। हाँ हाँ तुम तो मेरे बेटे हो ही नहीं, तुमको तो हम वैसे ही हॉस्पिटल से उठा लाए थे। क्या पता, मैं तो बहुत छोटा था ना। अच्छा अच्छा अब ठीक है, बहस मत करो, जाके नाश्ता करो, मुझे बहुत काम है। ये क्या है? शर्ट, बटन लगा दो ना, कल सुबह जॉइंट स्टडी के लिए जाना है। रख दो, लग जाएगा। माँ 2 मिनट लगेंगे, लगा दो ना, और ये कॉपी चेकिंग तो चलता ही रहेगा। 2 मिनट लगते हैं तो कल लग जाएगा। हद करते हो, जवाब क्यों नहीं दे सकते? आपका टेलीग्राम है। हाँ
रावत साहब। हाँ जी। आपकी वाइफ का फोन है। हेलो, क्या हुआ? सुनिए, कल विदुर आ रहा है। गुलाटी साहब का अभी अभी टेलीग्राम आया है। अच्छा, हम स्टेशन चलेंगे उसे लेने। मैं कल छुट्टी ले लेता हूँ। वेद से कहना तैयार रहे। 4 साल में पहली बार आ रहा है होली के लिए। इस बार अच्छी तरह से होली मनाएंगे। हाँ हाँ, तुम अपनी शॉपिंग की लिस्ट चेक कर लेना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। वेद, कल भैया आ रहा है। कितने बजे? वही सुबह 10 बजे स्टेशन चलेंगे। लव शर्ट दे दो, बटन लगा देती हूँ। रास्ते में कोई प्रॉब्लम? तो हैप्पी टू सी यू। गुलाटी साहब कहाँ हैं? अरे अरे सर, रावत कैसा रहा सफर? फर्स्ट क्लास से कम मत। परेशानी तो नहीं कोई? नो सर, आप ठीक है ना? फर्स्ट क्लास। बहुत दुबले हो गए हो, क्यों? पता नहीं ये हॉस्टल का खाना कब सुधरेगा। उसे पूछो मटन खाएगा या चिकन। नहीं 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 नहीं, सीधा घर चलते हैं, मुझे लेट हो रहा है। लेट? किस बात के लिए लेट? जॉइंट स्टडी करनी है उसको। ये लड़का हमेशा गलत टाइम पे सही टाइम पे गलत सही बात करता है। कंफ्यूज कर दिया है। अच्छा, कितना लेना है मटन? 1 किलो या 2 किलो? नहीं नहीं नहीं, 1 किलो, 1 किलो बस। अरे ये कहाँ भागा? सॉरी 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 सॉरी। जॉइन स्टडी में बिजी मुझे पता ही नहीं चला कि कोई और भी हमें स्टडी कर रहा था। क्या कर रहे हो? पढ़ाई। अच्छा, किताब से इतना दूर हो गए कि दूरबीन लगाना पड़ रहा है? यार तुम पानी पिलाओ जाके। चल हट, हमको देखा नहीं कि काम याद आ गया। आने दो पापा को, बताते हैं ये तुम्हारा थर्मोमीटर लगाकर पढ़ने का अंदाज। विनीता का घर, मेरा कैफे कॉफी डे, बरिस्ता, मैकडोनल्ड और कभी कभी पीसीओ भी, सब फ्री। अगर वो नहीं होती तो मेरा इश्क भी नहीं होता। वो रतन कह रहा था कि तुम उसकी जेफ हो। आई डोंट लाइक दिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर। वही तो, मैंने भी उसे वही कह दिया, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। बोलने की क्या जरूरत है, जो है वही है। सुन, पता है एक बार क्या हुआ था? हजारीबाग में ना एक लड़का हमको फ्रेंडशिप ऑफर किया है? और पता नहीं कैसे पापा को पता चल गया। बस पापा ने उसे खोजवा कर बुला लिया और सबके सामने कार पकड़ के 100 उठक बैठक करवाए। और दोस्ती करेगा? मैं बोल रहा हूँ जरूर रतन का भाई रहा होगा। लेकिन ये रतन दिन दहाड़े तुम्हारे घर पे थमक कैसे जाता है? जब तक पैर वैर छू रहा है तब तक ठीक है। कहीं पैर छूते छूते हाथ मांग लिया तो? कौन सा हाथ मिलेगा, क्या पता। तुमको पियानो कैसा लगता है? पियानो फालतू है, वो राज कपूर रोता रहता है ना, दोस्त दोस्त ना रहा है, सैड सॉन्ग। स्टाइल तो गिटार में है। चुरा लिया, चुरा लिया जेनी पियानो क्लासेस ज्वाइन करने वाली है।
अच्छा कोई भी जा सकता है? यहाँ किसी को हार्ट अटैक हुआ है? हार्ट अटैक? हार्ट अटैक किसको? आपके यहाँ से फोन आया था, एड्रेस यही दिया है। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। अंशो? हाँ वहाँ पूछिए ना, वहाँ पड़ा होगा। पता यहाँ का है, दौरा वहाँ कैसे पड़ेगा? साहब दौरा तो अपना पड़ गया है, हमको ही दौड़ा दिया है। आप तीनों कौन है? आपके मदर फादर कहाँ है? आपको मालूम है इस तरह से फोन करना कानूनी जुर्म है, इसके लिए सजा हो सकती है आपको। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ओह तो ये तेरी करतूत है। और लो मोटा होके वापस जाना है, हॉस्टल में ये सब नहीं मिलेगा। वोल थोड़ा खा लो, आइसक्रीम खाओगे? ठीक है बात, वेद तुम खा लो नहीं तो फेंकना पड़ेगा। हाँ हाँ तो मेरे पेट में लगा क्या फेंकने के लिए? ओ तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कौन सा डकार आ गया? एक तो हम जॉइंट स्टडी के लिए लेट हो गए और जो बचा कुचा था वो रतन आकर बर्बाद कर दिया। पढ़ाई के लिए इतना पीड़ा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब भैया है तो थोड़ा हंसो हंसाओ, खेलो कूदो, उसे भी तो लगे कि वो घर आया है अपने भाई के पास। वेदांत, अरे वाह बहुत अच्छा है, नाम लिखा है, चश्मा भी, वाह होय बहुत अच्छा, थैंक यू बोलो। थैंक यू थैंक यू। हर छुट्टी आता था एक मौसम बोलाता, छैया में मैं उसकी बैठा बच जाता था धूप से। वो जब भी घर आता था हर रिश्ता जुड़ जाता था, दीवारें गिर जाती थी, दीवारें गिर जाती थी, बस एक कमरा होता था मेरे घर में। जब आता था वो मौसम हर छुट्टी आता था एक मौसम वो लाता, ला ला ला। अंगड़ाई लेके मैं भंवरा बन जाता था, बन जाता था। खुलते थे ताले वो तालों की चाबियां लाता था। मेरे घर की छत पे तब एक बादल आके रुकता था, साथ उड़ता था हमें लेकर। गुस्ताखी से पहले ही माफी होती थी, बातें थी थोड़ी अब काफी होती थी रातों में। मैं भी ऐसी रातों में आधी नींदें सोता था, सपना वो सपना, एक आँख से जागता मैं एक आँख से सोता था, सपना वो सपना। जब आता था वो मौसम हर छुट्टी आता था एक मौसम वो लाता,
কি দাদা কেমন আছেন? আর কেমন, যেমন তোমরা রেখেছ। होलिका के लिए लकड़ी चाहिए था। चाहिए ना, खरीद करने का है। मोहब्बत में भी मिलता है क्या? बात तो अच्छा बोलता है, लेकिन तुमको मालूम नहीं, चार रात से हम सोया नहीं है। चोर लोग मेरा लकड़ी चोरी कर करके मेरा बारोटा बाजी दिए थे, और तुमको मजाक सोचता है। बाबा समझा करो, हमारा परंपरा कहता है होलिका जलाओ, पर ये नहीं कहता लकड़ी कहाँ से लाओ। अब शहर में तो जंगल होता नहीं और हम पेड़ काट सकता नहीं, तो परंपरा कैसा चलेगा, है ना? मतलब चोरी करेगा? दादा हम तो आपका ग्राहक है। ओ तो है। चोर चोर व्यापार तो भाग चोर रामू धर चोर जल्दी भाग जल्दी भाग चोर 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 होली यानी चोरी का मौसम। महीनों पहले पूरे शहर में ये चोर पुलिस का खेल शुरू हो जाता था। दिन हो या रात, लोग अक्सर दौड़ते दौड़ाते नजर आते थे। होली और चोरी ना हो, इम्पॉसिबल। होली में दिवाली मैं भैया के आने की खुशी में मैं अपना चैलेंज तक भूल गया था। मुझे याद नहीं रहा कि बाहर कोई भेड़िया जेनी के आसपास लार टपका रहा होगा। देखो ना क्या हो गया। अरे खून, डिटॉल, अरे को डिटॉल लाओ जल्दी से। किसी के पास डिटॉल है क्या? हट हट हट, ओए हट बे, हट हट हट, हट बे। क्या कर रहा है? अबे कर क्या रहा है? चल डिटॉल लगा ले वरना इंजेक्शन लग जाएगा। क्या कर रहा है? छोड़। तू मर देना। हाँ तो मर तो दर्द नहीं होता। हो गया। चल रुक जा। बच्चा छोड़ेगी नहीं। अब ठीक हुआ, अब साला किसी को उंगल नहीं करेगा। क्या हुआ कुंती, क्या कर रही हो? तो अभी से दरवाजा खटखटा रही हूँ, भाई लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। वेद हटो वेद, दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हैं ये दोनों? वेद दरवाजा खोलो। रावत साहब, वेदांत तो बाहर खेल रहा है। के इयररिंग इट कब आ रहा है? अब आना चाहिए, ऑर्डर देके तो काफी दिन हो गए। मम्मा ठीक है, तुम सो गए तो क्या हो गया, गलती इसकी है। मैंने क्या किया? अकेले घर में बोर होके सोएगा नहीं तो और क्या करेगा? भैया को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था ना वेद। अरे तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? आसमान नहीं, दरवाजा टूट गया। अरे तो आप बनवा देंगे ना? अरे देखो भैया घर आया है, तुम अपने साथ उसको बाहर लेकर नहीं जाओगे तो वो नॉर्मल लोगों से कैसे मिलेगा?
हॉस्टल में सब इसी की तरह है ना। ठीक है, ले जाऊंगा। वाह, बड़ा समझदार लड़का है। हाँ, ले ले, चली भी खा। कल से तुम वेद के साथ बाहर खेलने जाओगे। एक बात और, तुम छोटे जरूर हो लेकिन भैया की जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी है, समझे? कबड्डी 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 कबड्डी। हैंडसम है, 100% उसकी गर्लफ्रेंड होगी दिल्ली में। वेदांत है क्या, पूछो ना। अरे मैं नहीं पूछ सकता, बड़ा भाई है मेरा। चलो कबड्डी खेलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जेनी का हाथ जो पकड़ना है। अबे वहाँ शर्म नहीं आएगी बड़े भाई के सामने जेनी का हाथ पकड़ते हुए? आजकल लड़कियों का हाथ पकड़ना आम बात है, पर उस वक्त हाथ पकड़ने का सिर्फ एक ही बहाना था, अपना राष्ट्रीय खेल कबड्डी। ए शाना मत बन, चुपचाप पूछ, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या? ये आपसे पूछ रहे हैं आपका मनपसंद कौन सा है? आम्रपाली। क्या बात है, फिल्म जाता है क्या उसके साथ? पूछ वेदांत, पूछना इस लड़की का फोटोशूट है क्या पर्स में? मरवाएंगे सब। ये सब आपकी नौकरानी बनना चाहती है। अरे इसने तुम लोगों को नौकरानी बोला? नहीं 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 नहीं, मैंने सबको विदुर की रानी बोला। अच्छा, मारो इसको। अरे पागल पागल है क्या? अरे पगली, हसुआ। क्या हुआ, कैसे गिरे? ये ऊपर से कॉमिक्स निकाल रहे थे, पूरा डब्बा ही गिर गया। अरे लेकिन पुराने कॉमिक्स का क्या काम? ये भैया को ही रिवाइज करना था, वो कह रहे कि उन्हें कल से बाहर नहीं जाना है। मतलब तुम उसे बाहर लेकर जाना नहीं चाहते? अरे पर भैया कोई बाहर मजा नहीं आया, किसी को उनसे बात करना भी नहीं आया, और मैं वहां बैठ के ट्रांसलेटर का काम करता रहता हूँ। अरे तो तुम उनको सिखाओ कि... एक मिनट, देखो विदुर को नए दोस्त बनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, एक बार एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद मुश्किल नहीं होगी। लेकिन तुम्हारा तो अपना भाई है ना वेद। एक काम करो, तुम अपने दोस्तों को कल घर बुला लो, हम पार्टी करेंगे। ये दिल्ली के पास रॉक क्लाइंबिंग करते हुए, और ये क्रिकेट टीम के साथ, विदुर कैप्टन है क्रिकेट टीम का, है ना? ये देखो, और ये राफ्टिंग करते हुए, वाटर राफ्टिंग, ये देखो, है ना? अंकल, हाँ? इतना कुछ कैसे किया? देखकर तो नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है। कमी तो औरों में है जो ये नहीं समझ पाते कि इनसे डील कैसे करें। अंकल, विदुर यहाँ क्यों नहीं पढ़ता है? कंपनी के साथ बात चल रही है डेफ स्कूल खोलने की, देखे कब तक खुलता है। वेदांत, तू कुओं का मेंढक कुओं में ही रह गया, और तू क्या समुद्र का डॉल्फिन बन गया, खुद तो मक्की की तरह खाने पे मंडराता रहता है, तू क्या दुनिया घूमेगा? अरे कोई हमको नहीं बुलाया। आओ आओ, अरे इनविटेशन की क्या जरूरत है, कोई भी आ सकता है। ओ, यही खुशबू बाहर आ रहा था। बड़ी तेज ना के तेरी, हाँ ले लेग पीस, लेगा लेग पीस, हाँ ले ना, ले ले। ये अंकल क्या बोल रहा है? वेरी क्या तरीका है? साहब, हाँ इलेक्ट्रीशियन, आपने बुलाया? अरे हाँ, आप अंदर के कमरे से शुरू कर दीजिए, सुधा जरा देखना प्लीज। ठीक है साहब। वो वाली दिखाओ। अंकल, हाँ विदुर इतनी जगह घूमता है तो सब लोग उसे बात कैसे करता होगा? साइन लैंग्वेज बहुत आसान है, 5 वॉवल्स होते हैं, उनको 5 उंगलियों पर फिक्स कर दो, ए ई आई ओ यू, है ना? फिर ए बी सी डी एफ जी एच। अंकल ये तो प्रैक्टिस का बात है। हाँ अंकल, अभी हम लोग जाकर खेल लें तो फिर अंधेरा हो जाएगा, तो फिर हम लोग खेल नहीं पाएंगे। अंकल, हम लोग विदुर को भी खिला लेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है, तुम भी जाओ खेलने। वेद, तुम भी जाओ साथ में। वेद, भैया का ख्याल रखना। कब, कब,
कबड्डी 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 विदुर को रूल समझा दिया है ना कि हाथ और पीठ पकड़ने पर ही आउट दिया जाएगा, कमर पकड़ना अलाउड नहीं है। हाँ हाँ यार बोल दिया, जाओ जाओ। वे दूर वे दूर वे दूर वे दूर वे दूर। अरे रुको रुको रुको, ये क्या हो रहा है? ऐसे नाक बंद करके क्या कर रहा है तुम? क्या दिल्ली में ऐसे कबड्डी खेलते हैं नाक बंद करके? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? नाक बंद करके खेले या कबड्डी बोल के, मतलब तो यही है ना कि सांस नहीं टूटनी चाहिए। अरे यार हाँ तो क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे और अगर धीरे से सांस ले लिया तो? तू फिकर मत करो, सांस नहीं लेगा। सांस लेगा तो तेरी बदबू जो आएगी। तू मेरे भाई को कॉपी करेगा? मैंने ये आपका मजाक उड़ा रहा था। आपके लिए फर्स्ट टाइम नहीं होगा, आपको फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पड़ता है। छोड़ ना यार, छोड़। क्या कर रहा है तू? छोड़, देख लेंगे हम लोग। जब लड़कियों के लिए गेम का रूल बदला जा सकता है तो विदुर के लिए क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं, वी शुड बी इनवाइट टू हिम। बदल गया मैं नहीं। अच्छा बस छोड़ो। इतनी जल्दी वापस आ गए? रुक भैया, कबड्डी नहीं बोल पाए। तो उससे क्या होता है? तो उन लोगों ने भैया का मजाक उड़ाया। मम्मा कौन बदतमीज मजाक उड़ाया? जाने दो, बच्चे हैं सब, बाद में खुद ब खुद समझ जाएंगे। और हम ऑलरेडी लड़ चुके हैं और आगे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे भाई का मजाक उड़ाया है और तुम फायदे की बात कर रहे हो? पर पापा बात का बतंगड़ बन जाएगा। ये भैया तो वापस चले जाएंगे, पर मुझे तो उन्हीं लोगों के साथ खेलना है ना। अच्छा तुम रुको, मैं देखता हूँ। कुछ नहीं होगा, जाने दो। क्या हुआ, कौन मजाक उड़ाया विदुर का? अंकल अंकल मैं मानता हूँ मैंने मजाक उड़ाया, पर वेदांत ने मुझे बहुत जोर से मारा और उसके वजह से देखिए मुझे ये देखिए बहुत दर्द कर रहा है, इतना जोर से मारा। बेटा तुम्हें विदुर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था ना, दो दिन के लिए तो आया है। अच्छा चलो मैं वेदांत से कहूंगा, वो तुम लोगों को सॉरी बोल देगा। नहीं अंकल, वो सॉरी बोले या लॉरी बोले वो सुधरने वाला नहीं है। अरे यार जब देखो हम लोग से लड़ने का बहाना खोजते रहता है वो। अंकल आप उन दोनों को भेज दीजिए, हम कोई और गेम खेल लेंगे जिसमें बोलने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, हाँ। सही है, सब मौन व्रत धारण कर लो, संन्यास ले लो सब, हाथ की जगह कमंडल पकड़ना। रतन क्या क्या बोल रहे हो तुम? रावत साहब मैंने देखा, मैंने ऊपर से देखा कि आपका बेटा मेरा बेटा को धक्का मारा, उसका मुंडी फूट जाता तो क्या होता? आप कुछ सिखाओ अपना बेटा को। ची 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 ची, उसका पापा को पता चलेगा तो क्या होगा जानते आप? पार्थो आओ यहाँ पे। तुमको तो तू कितनी चौल आज के बारे की। ची 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 ची, यही बच्चे गुलश नहीं थी, खेल भी आज तो अशुभ हो, तो बाबा जो दिल जानते पारे ना तो तो अशुभ मार बे। गए थे डांटने, डांट खा के आ रहे। बच्ची बेवकूफ, माँ बाप भी बेवकूफ। कहा था, कान खोल कर सुन लो तुम, जब तक भैया यहाँ है तुम बाहर नहीं जाओगे, सब बंद, समझे? इसको रोकने से क्या होगा? बस हम कह दिए नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अरे पर लेकिन क्यों? अच्छा पियानो क्लास के लिए तो जा सकता हूँ ना,
पियानो, चुपचाप अपने बाल कटवाओ और पढ़ाई करो, अगले साल बोर्ड है तुम्हारा। ए चुपा, ए चुप, मस्ती मत कर। ए बस हुआ, ए नहीं नहीं नहीं, नहीं। बाल नहीं कटवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाल नहीं कटवाने हैं मत कटवाओ, पियानो भी नहीं सीखोगे, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। बाहर नहीं जा सकता। हम पियानो क्लास जाएंगे। देखो जब तूफान आता है तो दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं, जब तूफान चला जाता है तो दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं, तब तक मौसम भी बदल जाता है, समझे? समझे? तूफान तो और 10 दिन तक रहेगा। सुधा, तुम भी किसी तूफान से कम हो। क्यों सुलगा रहे हो गुस्से को? दिख नहीं रहा लड़का कितना मतलबी हो गया है, पता नहीं हर 2-2 मिनट बाद कहां भागता रहता है। विदुर को साथ लेकर जाना नहीं चाहता, उसके साथ रहना नहीं चाहता, दोस्तों के सामने भैया कहकर नहीं बुलाता। अरे ये इज्जत नहीं करेगा तो बाकी क्या खाक इज्जत करेंगे? एक यहां रहता है दूसरा वहां, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, बड़े हो जाएंगे समझ आ जाएगी। लेकिन वेद का बाहर जाना रोककर हमने शायद ठीक नहीं किया। तुम्हें सिर्फ मेरी गलती दिखाई देती है, जो मर्जी करो। नाराज क्यों हो रहे हो, हम बात ही तो कर रहे हैं। देखो बच्चों के सामने टोकती तो उनको लगता कि हम दोनों अलग अलग हैं, और कल से हमें ही मैनिपुलेट करने लगते। हम दोनों अलग अलग हैं। तुम्हारा ये स्कूल कब तक खुलेगा? टाइम लगेगा, और खुल भी गया तो हमें इसका फायदा नहीं होगा। कोई बात नहीं, कम से कम औरों को हमारी तरह अपने बच्चों से दूर नहीं रहना पड़ेगा। सुधा, हाँ, हियरिंग एड। अरे आ गया, बताओ। हाँ? बताओ। अरे वाह, कितना छोटा ये है। देखो, बहुत सुंदर। बैटरी देखो कितनी हल्की है। हाँ बहुत अच्छा। ये वायर खोल दो, ये, हाँ, ये लगा दो। आओ वेद, देखो कितना सुंदर है। इसमें मेरे पियानो क्लास के पैसे लगे हैं। सुना क्या बोला? मैंने कुछ नहीं कहा है, बाद में मत कहना मैंने अपने ऊपर काबू नहीं रखा। गुड बॉय, अपना हाथ दो, स्टार बना देती हूँ। अरे आए। 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 कहाँ चले? खिड़की खोलने, मौसम बदल रहा है ना। जाओ क्लब से कुछ खाने के लिए ले आओ। अरे पूरा खाना बन चुका है। अरे ठीक है, क्लब से चिकन ले आओ। ठहर जाओ, एक और नोट। हाँ। एक चिकन तंदूरी, 2 प्लेट चिकन टिक्का और 2 सीख कबाब। हाँ, और एक आइसक्रीम का पैकेट भी, बड़ा वाला।
अनर्थ हो गया यार, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा घर से निकलना ही बैन हो गया। कोई बात नहीं, कबड्डी भी बैन हो गया है। क्या? हाँ। तो फिर हम क्या करेंगे? करना क्या है, पढ़ाई लिखाई करेंगे और कभी मूड हुआ तो पियानो बजा लेंगे। अरे पर मेरा पियानो क्लास भी जाना। हाय, बैठो। क्या है ये न्यू? हाँ नया है, लेकिन मैं पियानो क्लासेस नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। अच्छा ये बताओ, ये बहुत सुंदर है, कैसे बोलेंगे? अरे बहुत सिंपल है, पहली चीज तो धीरे से बोलो। ये देखो, ये बहुत बहुत सुंदर है, है ना? सुंदर है, ये बहुत, बहुत सुंदर है, सुंदर है। तुम साइन लैंग्वेज सिखाने वाले थे ना, कब सिखाओगे? अभी सिखा देते हैं। ये देखो, ये आई, आई फॉर आई, ये एल, एल फॉर लव, और ये यू, I love you. अच्छा तरीका है पब्लिक में प्राइवेट बात बोलने का। हॉटलाइन है, हॉटलाइन। आपका ऑर्डर। बैठो बैठो, दो मिनट। पिघल रहा है। अंकल, ये आइसक्रीम कैंसिल कर सकते हैं। सॉरी, बिल तो बन चुका है। उस दिन बात जमी जाती, पर भैया और आइसक्रीम ने सब पिघला दिया। आइसक्रीम क्यों खरीदा? छोटे बच्चे हो? Why? आइसक्रीम why? And man, no. I wanted to meet my friends. नहीं। जेनी के साथ बात करनी थी। नहीं, आपकी वजह से। उस जमाने में सीसीटीवी का काम करते थे पार्थो जैसे छोटे मोटे चमचे। रतन केने बाड़ा चला, जाके तैयारी करा, तोरा गांव जाके बा बाबूजी के पहुंचावे। होली के बाद ना पहुंचा सकिला। काहे? गांव में होली ना होला। चुपचाप जान, ना ही ता टंगरी तोड़ देब। जा। होली तो हम एजे खेलब। अब देखा कमाल। विदुर, विदुर, तुम्हारा हियरिंग एड कहाँ है? अरे तो पहनो इस। बैठ बैठ मैं जा। भैया कह रहे हैं तुम बाहर जा सकते हो, बस लड़ाई झगड़ा मत करना। मामा बहुत गावा। वेद, क्या है ये सब हमने नहीं किया। वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन है क्या, चक्कर क्या है? कोई हमसे दुश्मन ही मोल रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा कोई दुश्मन है और बीच में लड़की भी है। अरे भैंस की तरह मुंह क्या चला रहा है, बोलता क्यों नहीं? दही जम गया क्या मुंह में? मामा,
इससे पहले कि मोहल्ले वाले देख ले, फटाफट दीवार साफ कर दो। अच्छी खासी दीवार गंदी कर दी। अरे दीवार क्या गंदी कर दी, मुंह पे कालिख पोत दी। देखा जनाब, इश्क फरमा रहे हैं जैसे एग्जाम हमें देना है। 14 की उम्र में कैसा इश्क, दीवार पे लिख देने से या हाथ छू लेने से या नजरें मिलाने से इश्क थोड़ी होता है। डिस्ट्रैक्शन तो है, केमिस्ट्री एलजेब्रा के फॉर्मूले के बदले J+V, V+J, ये सब क्या है? ठीक है बाबा, समझाएंगे उसको कि गलत कुछ नहीं है, सही वक्त पे सही काम होना चाहिए। और क्या पता जब तक समझाएंगे तब तक उसका ब्रेकअप भी हो चुका होगा। बाल कटवा दो उसका, सारी हीरोगिरी बंद हो जाएगी। वक्त आ गया था कि इस काले की तरह दुश्मन का भी सफाया करने का। कब आएगा? आ जाएगा कुछ दिनों में। क्यों, कोई काम था? कुछ सा बराबर करना था कनित का। इस वायरस ने तो मेरा दिमाग करप्ट कर दिया, मैं जेनी से भी नहीं मिल पाया और मैं निकल गया हवा खाने। पापा ने कहा था वो बाद में मेरी खबर लेंगे, मैंने सोचा मैं कोई अखबार हूं जो खबर लेंगे। भाड़ में जाए ऐसा घर, अभी ऐश कर, बाद में जो होगा देखा जाएगा। शाम ढली और लौट कर बुद्धू घर को आए, सोचा पापा खबर लेंगे तो अखबार बन जाऊंगा, पर वहां तो ब्रेकिंग न्यूज कुछ और ही था। बैटरी देखे हो? कौन सी, वो गोल गोल लाल वाली? अरे हियरिंग एड की बैटरी। हाँ तो हियरिंग एड में ही होगी ना? वेद उसमें नहीं है, हम सुबह से ढूंढ रहे हैं और अगर नहीं मिली तो दोबारा मंगवानी पड़ेगी अमेरिका से। अरे पर मैंने छुआ तक नहीं है। छुआ नहीं है तो खोजो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो है। बैटरी खोजते खोजते मिला पार्टी करने का बहाना। देखा फिर भाग गया। अच्छा है दोनों साथ भागे, वरना वो एक अलग शिकायत होती। ये कह रहा है पार्टी के लिए। भैया ने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, लड़कियों के लिए परमिशन, खाना भी ऑर्गेनाइज किया, अपनी बेस्ट शर्ट भी मुझे दे दी, मेरा जूता पॉलिश किया, परफ्यूम स्प्रे किया। ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज की जो मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन शाम बनी, लेकिन खुद नहीं आए पार्टी में। क्या 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 तेरा क्या काम यहाँ, तेरे बिना था आराम यहाँ। जा 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 संभलना कमीनो, लंबे नचने गाने आ गया। कुकुरुकु शक्ल से तो मुर्गी लगे, तो क्यों ना तुझे मुर्गी कहे, और चेहरे से तो बंदर जैसा, हम क्या करें।
चल चल ना फुट ना इधर से जरा, मैं दीवाना दीवाना मैं हूँ बड़ा। कचरे के डिब्बे में तुझको बिठा के, नाले के पानी से तुझको नहला के, रखूंगी कूड़े के पास। चल बंद कर तू बकवास। आओ सब नाचे डिस्को, आओ सब नाचे डिस्को, डिस्को को छोड़ो किसको, डिस्को को छोड़ो किसको, पर ना जाए कहीं हाँ, टूट ना जाए तेरे दांत। आओ मेरी ट्रेन में, आओ मेरी ट्रेन में, आओ मेरी ट्रेन में, बैठो जरा। आओ मेरी ट्रेन में, आओ मेरी ट्रेन में, आओ मेरी ट्रेन में, बैठो जरा। खस्ता कचौरी, हलवा पुआ पूरी, दम आलू बिरयानी, ठंडा ठंडा पानी, खालो खालो खालो, मौज मना लो, झूमो 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 झूमो, नचो नचो नचो। अबे आज ना तो रतन था ना भैया, बस सजनी और सैया। कुछ किया कि नहीं बे? अबे भैया कहाँ गए? वो बोल रहे थे यही रुकेंगे। अबे गया होगा घर पे, बात मत घुमा यार, बता कुछ किया कि नहीं। देख अगर मैं बोलूं कि मैंने कुछ नहीं किया तो तू बोलेगा लल्लू, और अगर मैं बोलूं कि मैंने कुछ किया तो तू साला ढोल पीटेगा। तो जा, नहीं बोलता। ठीक है मत बता, जब बाप पूछेगा ना तब सब उगल देना। रवि की बात ने मुझे आसमान से ऐसे गिराया कि बस चाह रहा था कि किसी तरह बिस्तर पे गिरूं और सपने में अपनी पार्टी कंटिन्यू रखूं। लेकिन अफसोस, बीच में था खजूर का पेड़, मेरे पापा। और हो गई मस्ती? छोड़ दो अभी, कल बात कर लेना। बात बात करते करते देर हो चुकी है। आज बात काट कर चला गया, कल गला काट कर चला जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, दोनों को साथ में मैंने ही भेजा था, वो थक कर पहले लौट आया। अरे यही छोड़कर आया होगा, बोरो के वापस आ गया। देखो ना फटी पुरानी कॉमिक्स पढ़कर सो गया बेचारा। इसे किसी की परवाह नहीं है, न भाई की न हमारी। जब देखो सबको बेवकूफ बनाने में लगा रहता है। ठीक है सॉरी बोल देगा। नहीं बोलूंगा सॉरी। देखा कितनी बदतमीजी बढ़ गई है। ऐसे बात की जाती है तो और कैसे बात की जाती है? जब से भैया है तब से लीच की तरह मेरे पीछे लगा दिया है। जा जाओ लेके जाओ, जो करो लेकर करो, भैया के लिए ये करो, भैया के लिए वो करो, उनके दोस्त बनो, उनके ट्रांसलेटर बनो। मैं भाई हूँ या नौकर, पॉकेट मनी भी देते तो भी सिर्फ उसी को, वो भी हजार से हर महीने। मैंने 150 में मांगे वो भी पियानो क्लास के लिए, वो भी नहीं दिए। नहीं रहना मुझे ऐसे घर में, इससे अच्छा तो कि मर जाता मैं। थप्पड़ मुझे पड़ा, दहल पापा गए, कमान से तीर निकल चुका था। अंदाजा ही नहीं था कि कितने दिल, दोस्ती और रिश्ते घायल होंगे। जेल से निकले किसी विलेन की तरह रतन वापस लौटा और जेनी के साथ मेरी गलती दाल को बिल्कुल जला डाला।
क्या कर रहे हो? आती तोड़फोड़। ये क्या है? ये क्या है? तुम्हारे जाने की खुशी में हम पार्टी किए थे। विधान करवाया? नहीं, हम सब मिलकर किए। खबरदार जो लड़ने का मूड बना रहे हो तो, होली से पहले कुछ नहीं। हाँ, पानी पिलाओ। चुल्लू भर या ग्लास भर? तुम एकदम नहीं सुन। वेद आ जाओ, इतना भी क्या नाराज होना। फाइनल तैयारियां चल रही है, विदुर और वेदांत हमारे साथ आ सकते हैं? हाँ हाँ, ले जाओ। नहीं, मैं नहीं आ रहा। क्यों? मूड ऑफ है। आंटी, कुछ हुआ क्या? तुम विदुर को ले जाओ। दैद मुंह फुला के बैठेगा या चलेगा भी? थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। शुक्र है भाप निकल गई, फटा नहीं। याद है तुम बच्चों के साथ पतंग उड़ाने जाते थे तो कितना चिल्लाते थे, खींचो खींचो, ढील दो ढील दो, खींचो ढील दो, याद है? वो इसलिए कि ज्यादा खींच देता तो पतंग कट जाती और ज्यादा ढील देता तो भी कट जाती। पतंग तो तब तक हवा में उड़ती है जब तक सही समय पर उसे ढील दो और सही समय पर उसे खींचो। इसका मतलब अब तुम थोड़ा कम खींचो और मैं थोड़ी कम ढील दूं। क्या बे, बहुत नौटंकी कर रहा था घर पे? और क्या, कभी कभी जरूरी होता है, वरना माँ बाप सर पे चढ़ जाते हैं। हाँ यार, सही बोल रहे हैं। कौन आया है? बधाई हो, बहुत जबरदस्त पारी की ना तुम मेरे पीठ पर, बहुत मजा आया ना? बेटा, मेरे पीठ के पीछे जो तुमने दीवार पे कालिक पोता, उसका क्या? अरे कौन सा दीवार, कौन सा कालिक? तुझे नहीं पता कौन सा दीवार? बताओ तुझे कौन सा कालिक? बताना, बताओ तुझे कौन सा दीवार? बताओ, बताना। अरे यार, लड़ाई करना है या लकड़ी लाने भी चलना है? शुरुआत वही किया था। बधाई कौन दिया? देख भाई, मान ले तूने इसकी दीवार पर लिखा और तूने इसके बिना पार्टी किया तो ये सब बराबर। वैसे तो हम दीवार पर नहीं लिखे थे, लेकिन फिर भी हाथ मिला लेते हैं भाई, होली है। वैसे पार्टी हमने भी नहीं किया था, होली है। मजा नहीं आया, थोड़ा एक्शन होता, थोड़ा डिशुम डिशुम होता, फिर जाके जब हाथ मिलता ना तब मजा आता। अबे साले, असली विलन तो तू ही है। और सही, मजा तो अब आएगा। Yeah.
लाठी ला लाठी। अरे क्या कहा था, बुझात नहीं क्या हमरा? अरे था कितना दो हाथ ठीक ठीक बोले लागी। बुड़गा आजकल कौन शरीर और कौन बदमाश कौनो नहीं के बुझात। बुगला ये अरे अरे काबिल 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 भाई काबिल काबिल अरे हमने सबके तो हम जाना था नहीं। अरे तो नहीं हुआ सब बड़ा ना, जब एक बार कमरा में बंद हो गई रहा तो हमने सब फायर ब्रिगेड लेके गई रही और सीढ़ी लगा के कमरा खोल ले रही। अरे ये सब तो बढ़िया घर के लेके बा, तो ये सब चोरी वोरी के चक्कर में कैसे पड़ गई तो? छोड़ दा भाई छोड़ दा छोड़ दा छोड़ दा, ये लोग के फिर गलती ना करी, दोबारा ऐसे गलती ना हो के चाहे। जा 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 जा। क्यों गुस्सा नहीं करूं? Why? कौन बोला मुझे हेल्प करने के लिए? आगे से आप मेरे साथ कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं। वेद, ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी? क्या हुआ? कह रहा है कुत्तों ने दौड़ा दिया, भागने में गिर गए। अब इस बोलो नहीं बताऊंगी। लकड़ी चुराने लकड़ी चुराने गए थे, पिट गए। हाँ? चोरी करने गए थे सो सजा मिल गई, बात यहीं खत्म। अब ये ऐसा कुछ करे कि दोबारा चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। क्या? वही जो ये हॉस्टल में करता है। अंकल होली के चंदा 25 रुपए। एक मिनट एक मिनट। हेलो जब तक पैर वैर छू रहा है तब तक ठीक है। ये लो, ले लो तुम्हारा चंदा। अंकल चंदा। एक मिनट एक मिनट। सुधा आ रही हूँ। हाँ 50 रुपए। 1000 जी 25 वापस कर। नहीं नहीं रहने दो रहने दो, दोनों के नाम के हैं 25 25। अरे वाह आंटी अंकल, हमको भी गोद ले लो ना। चलो भागो। पूरे 1525। विदुर का आइडिया था। गुड गुड। शॉपिंग के लिए कौन कौन जाएगा? हम और पार्थ हो, और क्या? हाँ, और क्या? वेदांत और विदुर भी जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम अकेले जाएंगे, विदुर नहीं। क्यों? क्या क्यों? लास्ट टाइम क्या हुआ पता नहीं है, इस बार हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। वेदांत वेदांत बोला आप नहीं जाओगे। मैं संभालूंगा। इंद्रधनुष देखना है तो ये बारिश भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। छी, ये क्या है? साहबजादे का चारा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वरना और लटपटा जाएगा। रुको एक मिनट। छी 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 छी। विदुर को लेकर
हम अपनी शॉपिंग कर लें? क्या मस्त शॉपिंग किया यार, मजा आ गया, मस्त बनाया, मस्त बनाया। हाँ भैया, केरोसिन तेल मिलता है? देते हो? राशन कार्ड लाए हो? रोकड़ा लेते हो क्या? रोकड़ा कितना चाहिए? 10 लीटर। 10 लीटर? अरे खाना बनाना कि किसी के घर में आग लगाना है? अंकल होलिका जलाना है, फुलझड़ी नहीं। अरे भाई 10 लीटर तेल नहीं दे सकते, का है कि सरकारी दुकान है, पुलिस का रेड पड़ सकता है कभी भी, समझो। अंकल ये सब भी पुलिस वाले के दामाद है, नहीं दिया ना तो ऐसे ही रेड पड़ जाएगा, क्या वेदांत? आई डू चोरी करता है, बाप का मन समझा, चल भाग। अरे अंधो हो जाता तो क्या, भीख में आएगा, चोरी तो नहीं करेगा। हाँ, वो बात भी। और तुम लोग घबराओ मत, थोड़ा रोएगा रोएगा सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों को क्या चाहिए? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम ठीक है। अरे बच्चा पार्टी, तुम हमको जानता नहीं, हम कितना क्लियर आदमी है। तुम चौड़ा तो हम भी चौड़ा, तुम पतला हम भी पतला। चलो अपन के बारे में छोड़ो ये सब बातें, तुम बोलो आप तुम्हें कौन सा कलर चाहिए? हमारे पास सब है, पीला को नीला, नीला को लाल, नमक को चीनी, चीनी को नमक, गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए परफ्यूम वाला कलर भी है, और दुश्मन को तेल निकालना है ना तो एक परमानेंट कलर भी है अपने पास। वेदांत दूल्हे परफ्यूम वाला अभी नहीं, क्लोरोफॉर्म मिलाया होगा तो। इतनी बड़ी होलिका, माय गॉड, बहुत जबरदस्त शॉपिंग की है ना तुम लोगों ने। हाँ, सब कुछ ले लिया, लकड़ियाँ, भांग, तेल और फिर मिठाइयाँ भी ऑर्डर कर ली। कुछ पैसे बचे हैं या सारे खत्म? हम आते हैं, हमें जोर से लगी है पट्टी। पैसा खत्म, खेला हजम। मतलब यही कि हिसाब तो वेदांत के पास है और जेनी के लिए एक प्राइज भी है। प्राइज या सरप्राइज? मतलब वही सरप्राइज। अबे देहाती, सरप्राइज का मतलब तो तुझे पता नहीं है, तो फिर क्यों बोल रहा है सरप्राइज? ए अंग्रेज, सरप्राइज का मतलब होता है चौंकाना, सो चौंका दिया, ज्यादा मत बोल। रुको 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 रुको, नहीं 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 जेनी, दिखाओ ना, दिखाओ ना प्लीज। सुनो तो जेनी, दिखाओ ना जेनी। ये मैं नहीं लाया, ये रतन लाया अपने लिए। मैंने तो ये लाया तुम्हारे लिए, परफ्यूम। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? पॉकेट मनी। झूठ मत बोलो, अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम अपना पार्टी का फोटोग्राफ खुद बनवाते, हमसे नहीं मांगते। हम तो मना किए थे कि पैसे नहीं है मत लो, लेकिन जबरदस्ती ले लिया। ए तू झूठ मत बोल रतन। Just get lost and don't ever talk to me. Jenny? खुशबू तो बहुत ही अच्छा था। तेरी तो, रुक तो, हाँ, क्या बे? क्या कर रहे हो? बेटा, तेरा बिगड़ दूँगा तेरा। क्या कर रहे हो? बता दो। आना, आना बे। क्या? क्या? आना बे। क्या करेगा? क्या करेगा? बता दो। हाँ, बता दो तेरे को। बता दो। आंटी आपने ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी लगाया आंटी कि मैं पहले आप बजाता हूँ और दरवाजा वहां खुलता है? भूत निकल। हाँ बेटा बोलो। फोन करना है आंटी जेनी को। जेनी को जरूरी है? बहुत जरूरी है आंटी। हेलो। हाँ कुकी, मैं रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर लग गया आंटी। यस हेलो जेनी, मेरी बात तो सुनो। मैं क्यों बार बार रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं? ये पुलिस वाले का घर है। आप
हाँ वही तो, मैं भी वही कह रहा था। हाँ ठीक है मिलते हैं। हाँ बाय। बात हो गई आंटी, थैंक यू। नहीं चाहिए कपड़े, नहीं चाहिए सब, कुछ नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए सब, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है पर हुआ क्या, क्या हुआ? मुझे नहीं चाहिए ये सब। अच्छा हुआ क्या, बोलो तो सही। नहीं चाहिए मुझे। वेद, वेद, वेद मेरी बात सुनो। वेद देखो, गुस्सा करने से अपना ही नुकसान होता है। वेद खाना खाने का टाइम हो गया है, बाहर आ जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कह सकते हो। मैं थोड़ा खा लो, खा लो। उस रात ना टूटे दिल को चैन था, ना पेट में कूदते चूहों को। दिल का इंस्टेंट इलाज तो नहीं था, पर कूदते चूहों का जुगाड़ था। जेनी, तुमको मालूम है रतन नहीं चाहता कि तुम मेरी फ्रेंड बनो, इसलिए आज उसने मेरा पत्ता काटने का कोशिश किया। हमको नहीं पता था कि अपना कोटी फिट करने के लिए वो इतना गिर जाएगा। जब हम मिठाई के दुकान पर पूरे कॉलोनी के लिए प्रसाद का ऑर्डर देने पहुंचे तो वो अपना पहला चाल चला। दादा ऐतो लिया, थोड़ा सा और लेने दो ना। दो ले लो। अरे यार जितना मन में आ रहा है लो ना, जो भी लो, चाट वाट समोसा वमोसा कुछ भी। हाँ कुछ भी, ये सब के पैसे कौन देगा? देख सरकारी खजाना है यार, हम लोग इतना गर्मी में मरकट के लोगों को खिलाने के लिए प्रसाद का इंतजाम कर रहे हैं, हम लोग को अपना पेट पूजा करने का कोई हक नहीं है? अरे यार पर ये सब खर्चे का हिसाब कौन देगा? किसी को कुछ हिसाब देने का जरूरत नहीं है। हाँ। अरे यार गए थे आए थे, खर्च हो गया, कुछ हो सकता है। हाँ। कहाँ पर तो? एकदम ठीक बोला। हाँ भैया एक गुलाब जामुन, एक कैंपा कोला और गुड़ का संदेश। और तू क्या लेगा? क्या लेगा? हाँ? अरे क्या लेगा बताता हूँ। और तू? हमको जो चाहिए वो इधर नहीं मिलेगा। तेरे को क्या चाहिए बे? डेबोनेर। इससे मैं डेबोनेर? अरे जिसको जो चाहिए वो ले। ठीक बात है। और हम अपने हिस्से से तुम्हारे लिए परफ्यूम खरीदे, कुछ भी खाए पिए नहीं, गॉड प्रॉमिस। बस रतन को मौका मिल गया, हमारे बीच लड़ाई करवा दिया, फिर भी हम सॉरी बोल रहे हैं, तुम माफ कर देना। तुम्हारे लव स्टोरीज वाले मिल्स एंड बून में भी सारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को माफ करती होंगी, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। लव यू वेद। उस दिन पहली बार हिम्मत जुटाकर रामजी के सामने खड़ा हो गया। शायद मेरे सच्चे प्यार को देखकर उसे भी अपनी सीता याद आ गई होगी।
उसने मुझे रोका नहीं। आज रामसुंदर मिश्रा बिहार राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए अन्य मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं: आरएन सिंह, रामलखन सिंह, रघुनाथ सिंह, योगेंद्र। याया राम गया राम, न तो टिकते हैं न तो किसी को टिकने देते हैं। आधा वक्त तो सिर्फ गिरने गिराने में लगे रहते हैं, राज क्या करेंगे। चलो। नमस्ते अंकल। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते आंटी। हाँ 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 क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जेनी तुमने ये पढ़ा है? बहुत इंटरेस्टिंग है, अब पढ़ना जरूर। विनीता, ये सेकंड टाइम आई लव यू बोला है, अब तो माफ कर दे यार। पापा परेशान है यार, डिपार्टमेंट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से घर में आज सबका मूड ऑफ है। वो अलग बात है, ये अलग, दोनों को मिक्स अप मत कर। अरे अरे मेरे पैसे। देख ज्यादा टाइम लेगी ना तो पूरा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जल्दबाजी में उठक बैठक करना पड़ गया तो इसका क्या करे, तेरा फर्स्ट लव लेटर है। अभी तो इसे अपने पास ही रख, घर में माहौल ठीक हो तो मैं ले लूंगी, अभी रिस्क लेना ठीक नहीं है। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अनमोल रतन। कुछ भी बोलती है ना तू, और कोई नहीं मिला क्या? अरे रतन, बहुत गर्मी है, थोड़ा ठंडा पानी पिलाओ ना। हाँ हाँ आओ, अंदर आओ ना। नहीं नहीं हम बाहर ही ठीक है, वो क्या ना थोड़ा जल्दी में। अच्छा सुनो ना, पानी में ना बर्फ जरूर डालना, उसके बिना मजा नहीं आता। ये लो। उफ, तुम्हारा बर्फ तो मेरे बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। ठीक है थैंक यू। अरे लव स्टोरीज वाले मिल्स एंड वूंस में भी तो सारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को माफ कर देती हैं, प्लीज तुम भी हमको माफ कर दो ना। तेरे पास ये कहाँ से है? तुम जिसको दिए थे वही हमको दिया, इसे कितना फालतू लिखते हो यार तुम। वही मिलबोन कौन है बे? वापस दे दे प्लीज। अरे बारात में आए हो जो दे दें, हैं? बताओ बारात में आए हो जो दे दें। अपना प्रेम पत्र चाहिए तो सारा डाक टिकट लाके शांति से हमको दे दो, फिर ले जाओ अपना पुर्जा। अरे पर स्टैम्प्स तो विदुर के हैं, और जेनी ने तुमको ये क्यों दिया? ये तो तुम उसी से पूछना।
लेकिन अगर तुम डाक टिकट लाके हमको नहीं दिए ना, तुम्हारा प्रेम पत्र ना, तुम्हारे बाबूजी के लाल टंपा में डाल देंगे, समझे? रतन, टेक केयर, प्लीज रतन। ये थी मेरी दूसरी चोरी और यहां से मैं धंसता चला गया दलदल में। ये ले। अच्छा है। मेरा लेटे ला। ये लो पुर्जा। ये तो फोटोकॉपी है, मेरा लेटर कहाँ है? तो क्या तुम उनको बेवकूफ समझो यार, अपना सारा जमा पूंजी लाके हमको दे दो, फिर ले जाना अपना ओरिजिनल पुर्जा। रतन? ओ हाय, हाउ आर यू? रतन ने तो सिर्फ पीठ पे छुरा भोका था, मगर जेनी ने उसको मेरा लेटर देकर मेरे दिल का शीख कबाब बना दिया। तुम अंदर जाओ ना यार, प्लीज दो मिनट के लिए जाओ ना। देखा, बहुत आभारी है हमारी तुम्हारा पोल खोलने के लिए, समझे? अब सारा डाक टिकट लाके हमको शांति से दे दो और फिर ले जाना अपना पुर्जा। और एक और बात, आज से चैलेंज खत्म। उस वक्त ना जेनी साथ थी, ना भैया, ना मम्मी, ना पापा, बस मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। रतन हीरो बन गया था और मैं By default villain। पहचाना? अरे हाँ, वही ना तुम लोग। वो दिन तुम तीन दोस्त आए थे, दो दोस्तों का पेंट गीला हो गया था। बोलो बोलो क्या बात है? मुझे पेंट चाहिए, ऐसा पेंट जो एक बार लगे तो उतरे नहीं। परमानेंट? परमानेंट। देख भाई, इसमें डेंजर है, एक बार लगाया ना तेज जात धर्म सब खत्म। काला करना है पर लगाएगा कौन? आप? धोखा समझाया क्या मेरे को? मैं बनाऊ, मैं लगाऊ। 50% सर्विस चार्ज लगेगा, वो भी एडवांस। मेरी अब तक की क्रिमिनल लाइफ की थी ये तीसरी चोरी, अपने ही घर में डाका। क्या बाबतुदा, कैसा चल रहा है? अबे ये क्या है? लेमन जूस का पैसा दे रहा है? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एडवांस है, बाकी देता हूँ ना काम होने के बाद। अबे इसमें पेंट भी नहीं बनेगा, बाकी काम कैसा होगा? देखो, अरे मैं भागने वालों में से नहीं हूँ बाबूदा। देखो, जब तक आपका पेंट रेडी हो जाता है तब तक मेरा पैसा रेडी हो जाएगा। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ उल्टा सीधा किया ना तो बिना पेंट का ही मुंह लाल कर सकते हैं हम। अरे वैसे कोई बात ही नहीं है बाबूदा, आप ये खाइए ना। ये क्या है? ये दोस्ती के नाम पे, इसके पैसे नहीं काट रहा हूँ मैं, ठीक है? चलते। और होली के दिन याद रखना, ब्लैक एकदम परमानेंट, ठीक है? Thank you.
मैं उस वक्त इतना अकेला पड़ गया था कि भैया को सब कुछ बता दिया। उन्होंने पेशेंटली सुना और फिर जाके पापा मम्मी को बता दिया, जिसे करने की हिम्मत कम से कम मुझ में नहीं थी। मैंने कहा था ना पियानो बज रहा है, और तुम बोल रही थी ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप तो हो गया है ना, कह तो रहा है। अब बेटे जी से दिल के टूटे टुकड़े संभले नहीं जा रहे हैं, इसलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या करना है, बच्चों से बात करिए या माँ बाप से? पार्थो की माँ याद है ना? कुछ सिखाओ उसको। उफ, बच्चों से बात करना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना है। जरा सोच समझ कर निपटाना पड़ेगा, ताकि बदनामी भी ना हो और मामला भी सुलझ जाए। हाँ, इनका भरोसा नहीं, हम माँ बाप से लड़ लेंगे और बच्चे फिर आपस में दोस्ती कर लेंगे। ये कैसे हैंडल करेगा? कह रहा है हैंडल करेगा तो करने दो, हॉस्टल में रहता है, और कुछ गड़बड़ हुई तो हम है ना। रतन भैया, क्या रे, क्या है? लेटर है आपके लिए, जनी दीदी ने दिया है। हाय रतन, उस दिन मैं तुम्हारे घर आई तो बहुत मजा आया। तुम्हारा नंगू पंगू फोटो देखकर मैं बहुत हंसी। बचपन में तुम बहुत क्यूट थे, अभी भी हो। उस दिन तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे, मैं वेट करती रही, लेकिन तुम शायद मालादी की वजह से पूछ नहीं पाए। चाहो तो अभी लिखकर पूछ सकते हो, मैं जवाब जरूर दूंगी। लव, जेनी। ए, जल्दी कर। तू साला है मेरा। गाली मत दे। प्रिय जेनी, तुम मेरे दिल का बात कैसे जान जाती हो? हाँ, उस दिन तुमसे कुछ पूछना चाहते थे। चलो अभी पूछ लेते हैं, सिर्फ 3 सवाल। पहला, तुम हमको देख के बहुत मुस्कुराती हो। ए, क्योंकि हम बहुत रौबदार लगते हैं। बी, क्योंकि हम तुम्हारे जन्म जन्म के साथी लगते हैं। दूसरा सवाल, हम तुमको बबल गम देते हैं तो तुम कभी मना नहीं करती हो। ए, क्योंकि बबल गम 2 दिलों को चिपकाने का अच्छा तरीका है। बी, क्योंकि हाथ छूने का मौका मिलता है। अब तीसरा सवाल, जब हम तुम्हारे पापा के पैर छूते हैं तो तुम क्या सोचती हो? ए, कि हम बहुत संस्कारी हैं। बी, कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम्हारा जवाब ज्यादातर बी है तो तुम हमें पसंद करने लगी हो, अगर ए है तो पसंद करती हो। इंतजार में तुम्हारे, अनमोल रतन। प्यार, बहुत बहुत प्यार। ये ले सेवियो, दीदी को दे देना ना, कितना क्यूट है। हम फुकट में काम नहीं करते, चॉकलेट चाहिए। जाना बेटा अगले बार उधार, जा जा जा। बाद में पता चला कि जिनी ने रतन को वो लेटर दिया नहीं था, बल्कि रतन ने उसे चुराया था, और जिनी रतन के घर भी सिर्फ मेरा लेटर ढूंढने गई थी। मेरी जान में जान आई और भैया ने मुझसे कहा कि तुम भी वही गेम खेलो। हम बहुत संस्कारी हैं, हम तो असली मर्द हैं। क्या क्या बक रहा है? पढ़। Thank you.
ये तेरे पास कहाँ से आया? वहीं से, जहाँ से मेरा तेरे पास आया था। यार जेनी ने हमको लेटर लिखा था, इसीलिए हमने उसको लिखा है। अभी ये तो विदुर की हैंडराइटिंग है। और तुम्हारे नंगू पोंगू फोटो के बारे में जेनी ने हमको बता दिया था, सो उसने लिख दिया। और ये सैवियो ने दिया था ना, तुमने तो उसको चॉकलेट भी नहीं दिया यार। साले तुमको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, क्या करेगा, क्या करेगा, बोलना बोलना क्या करेगा। मैं तो कुत्ते की पूंछ था जिसको भैया ने सीधा कर दिया, पर वहां क्या करे जहां कुत्ता ही पूरा टेढ़ा हो। सुधा, ये खुशबू कहां से आ रही है? काजू, किशमिश, बादाम, ये सब कुछ तो मैं लेकर आ रहा हूं अभी। ये इस केक की है। आहा, हाथ हटाओ। अरे टेस्ट तो करने दो। और वैसे भी ये केक इस प्लेट से ज्यादा मेरे पेट में अच्छा लगेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, इस पे अभी क्रीम लगाना बाकी है। अरे टीचर जी, क्रीम आप मुझे बाद में खिला देना। विदुर। वेद बताओ। ओहो, इतना सारा सामान लेकर आए। देखो पिचकारी अच्छी है, बहुत अच्छी है। पसंद है तुम्हें? पसंद आई ना तुम्हें? हाँ। और मेरे लिए? अरे अच्छा, ये रहा टीचर जी। थैंक यू। ये क्या है? मैं सोच रहा था एक नया हियरिंग एड ले लें विदुर के लिए। हियरिंग एड? लेकिन इस बार इंडियन। इतनी जल्दी कैसे खरीद पाएंगे? मैंने लोन अप्लाई कर दिया है, देखते हैं कब पास होता है। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। माने छोकरी, छोकरी माने चौकर, चौकर माने लफड़ा, लफड़ा माने छोकरी। क्या बात हो? लफड़ा माने सीरियस लफड़ा। अभी पब्लिक को पता चला ना कि उनके 200 रुपए का लफड़ा हुआ है, सोचो क्या होगा। आगे से एक चमन्नी भी नहीं मिलेगी। आइडिया, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास जितने भी मिठाई के डब्बे आएंगे ना, उनमें से एक एक मिठाई निकाल कर कई नए डब्बे बना ले, और फिर उसे बेच कर हम अपना घाटा पूरा कर सकते हैं। किसी को पता भी नहीं लगेगा, है ना? थैंक यू। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, आगे चल के सबको चूना लगाने का काम अच्छा करोगे। ये कहाँ से आए? मैं अरे वाह, ये फागुन का मस्त महीना रे मनवा, फागुन मस्त महीना रे। ढोलक पे देके रे ताल मचा दे, मचा दे मचा दे बवाल रे। फागुन का मस्त महीना रे मनवा, फागुन मस्त महीना रे। ढोलक पे देके रे ताल मचा दे, मचा दे मचा दे बवाल रे। उमर बहुत
मस्त है थोड़ी थोड़ी, कौन है बुढ़िया कौन किशोरी, क्या बोला कबीरा क्या बोला। चली गली मैं राम दुलारी, मनमा गड़ गयो फांस, हर पिचकारी मुंह पे मारी, कपड़ा कर दियो नाश जुगीरा, ओहे जुगीरा। घर में छिपी है रे गोरी प्यारी, बाहर खड़े हैं रे किशन मुरारी, वही अंदर ही अंदर निहाल रे, अंदर ही अंदर निहाल रे। ढोलक पे देखे रे ताल मचा दे, मचा दे मचा दे बवाल रे। रई 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 रई। कुआ पेड़ा खुरमा पूड़ी सोआ मेथी साग, मोती चूर का लड्डू लागे, जो बन का प्रसाद जोगीरा पूरा न मानो रे होली है भाई, मनवा में खोलो रे बांग ठंडाई, हुई डगमग डगमग चाल। हाय हाय, तुमने सबको बताया जेनी के डैड का ट्रांसफर हो रहा है, वो जा रही है। कहाँ? रांची। पल भर के लिए लगा जिंदगी गई, ये सब चैलेंज, दिल दोस्ती, दर्द धोखा, दुश्मनी, प्यार मोहब्बत, सब बेकार। मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया, नो मोर गर्ल्स इन लाइफ, नो मोर प्यार मोहब्बत। अब वो लखनऊ, अब दिल्ली। भैया की भी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे उनका ब्रेकअप हो गया था, फिर भी वे दोस्त बने रहे। अगर वो सरवाइव कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तुमने कभी सोचा है इन दोनों में हैंडीकैप कौन है? वेदांत। हम लोग विदुर को लेकर हमेशा परेशान रहे, उसी का नतीजा है कि इतनी होशियारी से वो क्राइसिस सिचुएशन संभाल लिया। और एक हमारे साहबजादे हैं जो हमारे साथ रहने के बावजूद दुनियादारी नहीं समझ पाए। गलती हमारी भी है, हम भी तो पहली बार माँ बाप का रोल निभा रहे हैं। साहबजादे से दोस्ती करनी पड़ेगी ताकि वो अपने मन की बात हमसे कहे और हम भी सुने। फाइनली होली का वो दिन आ ही गया। दूर दूर तक ना कोई चैलेंज था, ना कोई गर्लफ्रेंड थी और ना कोई दुश्मनी। पानी पानी।
रख रहा है। रतन रख ले, तू भूल आया था मेरे घर पे, वापस कर रहा हूं। माफ कर दीजिए सर, पैसा लिया था ना, पैसा वापस कर। चलो पैसा वापस कर। पैसा तो खर्चा हो गया सर। चलो चलो यहां से भागो। भागे तो रहा था, आपने तो पकड़ लिया। चल चल अभी।
चलो तुम लोग खेलो जाओ, चलो चलो। Happy Holi, same to you. Hi, Happy Holi, same to you. Ortho, निकालो, चश्मा निकालो, जल्दी निकालो। आहा, हाजी, thank you. Please खाइए। राव साहब, अब विदुर कैसे लौटेगा? क्योंकि मुझे तो अभी कुछ दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा ना। अरे चिंता ना करें, लड़का बड़ा हो गया है। अरे आपने मालपुआ खाया नहीं? सुधा की स्पेशलिटी है। अरे अभी लेता हूँ। दे दिया होता तो हमारा पत्र सही जगह पहुंचाता ना। ऑटोग्राफ। थैंक यू। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। बालकनी में चलो। I like you. क्या रे? अरे रंग लगा रहा है कि मुंह नोच रहा है? अरे हमारा भी ऑटोग्राफ ले लो, कल के फिल्मों में हम असली खलनायक बनने वाले हैं। बिना मार खाए, बिना पुलिस बुलवाए तुमको चैन नहीं है क्यों? कुछ महीनों बाद जेनी भी चली गई, लेकिन मैं अब अकेला नहीं था। हम दो भाई ऐसे बंध चुके थे कि जिंदगी भर रेल की पटरी की तरह अलग अलग होते हुए भी हम साथ साथ दौड़ते गए, बिना एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को सहारा देते हुए।
हर छुट्टी आता था एक मौसम वो लाता, छैया में मैं उसकी बैठा बच जाता था धूप से। वो जब भी घर आता था हर रिश्ता जुड़ जाता था, दीवारें गिर जाती थी, दीवारें गिर जाती थी, बस एक कमरा होता था मेरे घर में। जब आता था वो मौसम हर छुट्टी आता था एक मौसम वो लाता, ला ला ला। अंगड़ाई लेके मैं भंवरा बन जाता था, बन जाता था। खुलते थे ताले वो तालों की चाबियां लाता था। मेरे घर की छत पे तब एक बादल आके रुकता था, साथ उड़ता था हमें लेकर। गुस्ताखी से पहले ही माफी होती थी, बातें थी थोड़ी अब काफी होती थी रातों में। मैं भी ऐसी रातों में आधी नींदें सोता था, सपना वो सपना, एक आँख से जागता मैं एक आँख से सोता था, सपना वो सपना। जब आता था वो मौसम हर छुट्टी आता था एक मौसम वो लाता, हा 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 हे हे हे।